गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पूर्णांक। ठीक है, ये पहला चैप्टर अपना आज का। तो सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है, तो कक्षा 6, 7 और 8। ठीक है, तीनों कक्षाओं में ये पूर्णांक चैप्टर मिल जाएगा गणित में। कक्षा 6 में ये चौथी या पांचवी प्रश्न वाली हो सकती है। ठीक है, और कक्षा 7 में ये पहली प्रश्न वाली जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, और कक्षा 8 में ये चैप्टर तो नहीं है, लेकिन 8वीं कक्षा में जो सवाल आएंगे उसमें ये अहम भूमिका निभाएगा पूर्णांक। अगर आपको प्लस माइनस सॉल्व करने आता है तो आप आगे के सवालों को सॉल्व कर सकोगे, जैसे कि 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। तो ये 9वीं 10वीं में आप कैसी गणित पढ़ोगे या आपकी गणित कैसी रहेगी, वो 6वीं 7वीं 8वीं पर निर्भर करती है। आप यदि 6वीं और 7वीं में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको 8वीं 9वीं 10वीं में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी आप 11वीं 12वीं में मैथ ले सकोगे। तो सबसे पहले हम पूर्णांक शुरू कर रहे हैं। अब पूर्णांक है क्या, पूर्णांक को समझने के लिए पहले हम इसको समझेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या देख लीजिए, यहाँ पर मैंने संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 ।। अनंत, यानी कि प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जितनी भी संख्या है, 1 से लगाकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राकृत संख्या कौन सी बताइए, पूर्ण संख्या कौन कौन सी है बताइए। ठीक है, अब प्राकृत संख्या समझ में आ गया आपको, 1 से लगाकर अनंत तक। अब एक और चीज समझ लो, धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। जो भी संख्याएं प्लस वाली होती है वो कहलाती है धनात्मक, और जो भी संख्या माइनस वाली होती है वो कहलाती है ऋणात्मक। यहाँ पर क्या कोई माइनस वाली संख्या दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही। ये कोमा आया ना, तो माइनस माइनस समझ मत लेना। तो ये सारी कौन सी है, प्लस की है। यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है तो वो प्लस है। ठीक है, प्लस नहीं भी दिया जा सकता है, दिया भी जा सकता है, लेकिन माइनस वाली संख्या यदि होगी तो माइनस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्लस वाली संख्या है, तो 1 से लगाकर अनंत तक सारी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत। नीचे पूर्ण संख्या है। अब इसमें बदलाव कितना है, तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर 0 दिया गया है। ठीक है, प्राकृत संख्या पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, देखो 1 से लगाकर अनंत तक, लेकिन इसमें क्या नया है, इसमें 0 दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। तो 0 से लगाकर अनंत तक सारी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। आ गया समझ में। अब अगला है पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक संख्या रेखा बनाई है। इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा इसलिए बनाई क्योंकि इसमें कुछ सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूर्णांक को समझेंगे कैसे, बीच में मैंने देखो क्या बनाया, 0। ठीक है, 0 से लगाकर इस तरह वाली सारी संख्या क्या है, प्लस की है। कोई चिन्ह दिया गया नहीं, इसलिए कौन सी है, ये प्लस की है। अब यहाँ देखो 0 की इस तरफ देखो, -1, -2, -3 इस तरह से दिया हुआ अनंत तक, ये कौन सी है, माइनस की। तो ये क्या है, ऋणात्मक। और ये कौन सी है, धनात्मक। ये भी कहाँ तक है, अनंत तक। तो 0 के इस तरफ और इस तरफ यहाँ देख रहे हैं आपको कि सारी संख्या है। पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूर्ण अंक, सभी अंक आ गए इसमें, यानी कि सभी प्लस की संख्या भी आ गई, सभी माइनस की संख्या भी आ गई और 0 खुद भी आ गया। समझ में आ गया। तो आपको यही समझना है कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये सारी चीजें किसमें आती है, पूर्णांक में। तो यही होती है पूर्णांक। समझ में आ गया। अब इस पूर्णांक को सॉल्व करने के लिए ये मैंने संख्या रेखा बनाई है। अब संख्या रेखा से सॉल्व कैसे करनी है, अभी सॉल्व क्या करना है इसमें, पहले तो ये समझ में आना चाहिए अपन को। देखो पहले तो मैंने 2 भाग बनाए इसमें, एक तो बायां भाग, दायां भाग। ठीक है, बायां भाग है वो माइनस का होता है, दायां भाग होता है वो प्लस का होता है। सवाल कैसे सॉल्व करना है आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं सवाल लिखता हूँ, देखो -3 +7,
अब ये तीन है वो माइनस का है। देखो जो संख्या होती है उसका चिन्ह हमेशा उसके आगे रहेगा। तीन के आगे माइनस है तो ये क्या है, -3। अभी इसके पीछे प्लस लिखा है, यूं मत समझ लेना कि ये प्लस का तीन है, ठीक है, ये माइनस का तीन है। और प्लस किसके साथ है, सात के साथ, ठीक है। तो -3 और +7, हम इसको सॉल्व करते। अब ये मत कर देना कि ये तो सिंपल है, 7 और 3 जोड़ के 10 हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 10 आंसर आएगा तो ये गलत है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा हमको इसका आंसर क्या आएगा, -3 और +7, इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब पहली बात तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी हमको सिर्फ इतना समझ लेना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें अभी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अभी हमको बेसिक पढ़ना है कि संख्या रेखा के अनुसार इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में हमें प्लस माइनस अगर सीखना है तो हम इससे शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पर, -3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, -3 कहाँ है वो इस संख्या रेखा पर ढूंढो। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 3 भी है और इधर भी 3 है, लेकिन ये 3 प्लस का है तो हमको यहाँ नहीं, यहाँ देखना है माइनस का 3, क्योंकि तो यहाँ माइनस का 3 है। तो माइनस के 3 पर हमने क्या कर दिया, बिंदु बना दिया। यानी कि ये समझना है कि अभी हम -3 के ऊपर खड़े हैं, -3 के ऊपर अभी हम मौजूद है। अब हमको क्या करना, आगे क्या लिखा है, +7। अब +7 से क्या करना है, सबसे पहले इस पर ध्यान दो, प्लस पे। यानी कि -3 से हमको उस तरफ जाना है जहां पर प्लस है। प्लस किस तरफ है, इस तरफ, कौन से भाग में, दाएं भाग में। तो हमको दाएं भाग की तरफ जाना है, तो प्लस की तरफ जाना है -3 से। अब कैसे जाएंगे, कितना जाएंगे, क्या लिखा है, 7, +7। यानी कि प्लस की तरफ 7 कदम चलना है हमको। तो यहां से 7 कदम चलो, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर पहुंचे हम, 4 पर, +4। तो क्या आंसर आया इसका, 4। तो हमको एक एरो भी बना देना साथ में समझने के लिए, कितना कदम चले थे, 7 कदम। तो यहां लिख दिया हमने +7, ठीक है। और आंसर क्या आया इसका, 4। तो -3 और +7 को सॉल्व करने पर हमको क्या आंसर मिला, 4। समझ में आ गया आपको, ऐसे करना है। अभी तीन संख्याओं को सॉल्व करने पर कैसे होता है देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो तीन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए भी इससे हम ऐसे ही करना है, जैसे मैंने यह संख्या लिख दी 4 -3 और -4। देखो यहां पर क्या लिखा है, 4 -3 -4, इन दोनों के आगे तो चिन्ह है, -3 और -4, इसके आगे कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। तो इसके आगे चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो प्लस का, ठीक है। मैंने प्लस बना दिया, +4 -3 -4। अब ऐसी संख्या सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी ये तो सिंपल है, जब संख्या 6 7 दी होंगी, बीच में बहुत सारे चिन्ह होंगे, माइनस प्लस कोष्टक बने हुए होंगे, तब आपको कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कन्फ्यूज हो गए, ये आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखो +4 क्या करना है, +4 कहाँ है वो ढूंढो, उसको खड़े रहना आपको। +4 कहाँ है, ये रहा, हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, -3, माइनस के तरफ हमको जाना है 3 कदम। माइनस किस तरफ है, इस तरफ, तो माइनस की तरफ हमें 3 कदम चलना है। तो यहां से 3 कदम चलेंगे हम, 1 2 3, कहाँ पर पहुंचे हम, +1 पर, ठीक है। तो हमको एरो बना देना है सबसे पहले, यहां से कितने कदम चले, 3 कदम, कितना, -3, यहाँ पर लिखते हैं कि एरो बना देना हम इस तरफ गए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है, फिर से है -4, यानी कि फिर से माइनस की तरफ 4 कदम चलना है हमको। तो ये हम कहाँ पर, अभी 4 पर थे, तो 4 से हम कहाँ पहुंचे, 1 पर, अभी हम 1 पर खड़े। अब 1 से फिर से 4 कदम चलना है माइनस की तरफ, तो 1 2 3 4, तो हम यहां से पहुंचे -3 पर। एरो बना दो इसको इस तरह से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4, क्योंकि -4 कदम चले हम। अब क्या आंसर है, हम कहाँ पहुंचे, -3 पर, तो -3 इसका आंसर, बस, ठीक है। अब भी हमको संख्या रेखा के अनुसार सॉल्व करना है,
उसके बाद हम धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है, और ये है पूर्णांक चैप्टर। ठीक है, अब जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वापस वीडियो को पीछे कर देख सकते हो, और जो भी सुधार की आवश्यकता अगर मुझ में लग रही है आपको या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट करो, उस पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, इसको व्यवस्थित उतार लेना अपने नोटबुक पे। ठीक है।